नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी। खबर बहुत बड़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल में सोशल मीडिया पर चल रही एक्टिविटी सरकार की आंखों में चुभने लगी है। जिस तरह से लोग मोदी सरकार के खिलाफ शब्द बाण चला रहे हैं, वो सरकार को अखरने लगा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इस पर मंथन लगातार चल रहा है। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच रसाकसी काफी समय से चल रही थी। कुछ अरसा पहले मोदी कैबिनेट ने सोशल मीडिया कानून के जरिए कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर चलने वाले कंटेंट को सीमित करने की दिशा में कदम उठाया था, लेकिन संबंधों में तल्खी उस समय ज्यादा दिखी जब कोरोना काल में लोग सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे। सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के निर्देश के अनुसार कंटेंट को फिल्टर करने से मना कर दिया, लेकिन जब बीजेपी नेता संबित पात्रा की फर्जी टूलकिट वाली पोस्ट को ट्विटर ने फर्जी करार दिया, मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया, तो सरकार का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उधर खबर आ रही कि मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक शर्तें मानने को तैयार हो गया है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत करना जरूरी है। तो साफ है कि फेसबुक झुकने को तैयार हो गया है, तो उसकी सेवाएं आगे जारी रहेंगी। लेकिन उधर ट्विटर ने इसे मानने को लेकर कोई बयान नहीं दिया, यानी कोई नरमी नहीं दिखाई। हालांकि वो नरमी दिखाए भी तो कैसे, सरकार आधी रात ट्विटर के दफ्तर पर पुलिस की दबिश या कहें रेड पड़वा रही है, उसे आंखें दिखा रही है। तो संकेत यही है कि ट्विटर जल्द ही इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चल देगा और उसकी चिड़िया फुर होकर चली जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की ये कोशिश इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी देखी जा रही है। अमेरिका में भी गाइडलाइंस न मानने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसे जाने की बात उठने लगी। फ्लोरिडा प्रोविंस ने तो सोमवार को दिखा भी दिया कि सिलिकॉन वैली के बड़े खिलाड़ियों को किस तरह से काबू किया जाता है। सूबे के गवर्नर रॉन डिसेंट्स ने फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसी कंपनियों पर फाइन लगाने का प्रावधान अपने नए आदेश में किया है। राजनीतिक उम्मीदवार पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में ये कानून काम करेगा। दरअसल फ्लोरिडा रिपब्लिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि गवर्नर का नया फरमान फेसबुक और ट्विटर के उस कदम का जवाब है जिसके तहत जनवरी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था। साफ है कि सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत हुक्मरानों की ताकत को चुनौती दे रही है, और यही वजह है कि भारत में सरकार अब ट्विटर की चिड़िया को अपना तोता बनाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े हैं, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।